वीडियोस हैं मेरे बलिनों के ऊपर, बट एक बार फिर से आई प्रेजेंट टू यू द इंडियाज फर्स्ट बलिनो सिग्मा मॉडल मॉडिफाइड टू द सिग्मा स्पेशल एडिशन। यस दोस्तों, करेक्ट आप लोग ने पढ़ा है, ये एक बेस मॉडल है बलिनो का, सिग्मा मॉडल, जिसमें आर्मरेस्ट नहीं आता है, पीछे एसी नहीं आती है, स्टेयरिंग में कंट्रोल नहीं आते हैं, मिरर फोल्ड नहीं होते हैं, ग्रिल में क्रोम नहीं है, म्यूजिक सिस्टम नहीं है, एलॉय व्हील्स नहीं है। ये गाड़ी एक सिग्मा है, बट इसको हमने कन्वर्ट किया है टू द सिग्मा स्पेशल एडिशन। ये स्पेशल क्यों है, इसकी रीज़न मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि ये कार के अंदर हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं मारुति का जेन्युइन आर्मरेस्ट विद द रियर एसी ब्लोअर फंक्शनिंग, जो आप लोगों के सामने है। कंपनी ने जो कंसोल गाड़ी में दिया है उसमें हाथ रखने का प्रोविज़न नहीं है, उसमें पीछे एसी का कनेक्शन नहीं है, उसमें आपको फ़ोन ये रेगुलर जो है चार्ज करना पड़ता है डोंगल लगा के। इस कंसोल को रिप्लेस करके मारुति का जेन्युइन कंसोल आता है, इट्स अ मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट जो हम आपको लगा के दे रहे हैं। द मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट हमने लगाया है। एक तो गाड़ी चलाने का जो मज़ा इस आर्मरेस्ट के साथ है दोस्तों, इट्स अनबिलीवेबल। एंड द रियर एसी, जो आदमी पीछे बैठता है उसको हवा आने का ही सिस्टम कंपनी ने नहीं दिया है। अभी मैं ये हवा तो आपको नहीं दिखा सकता हूँ वीडियो पे, बट इसके ब्लोअर्स को भी हमने एक्टिव किया है। आप जो पीछे बैठे हैं आप अपनी एसी जो आगे है उसका आनंद पीछे भी उठा सकते हैं विद द प्रॉपर नोजल फंक्शनिंग, विद द प्रॉपर यूएसबी चार्जिंग, विद द प्रॉपर टाइप सी चार्जिंग। इसके अंदर हमने ये वायर देना, किस तरीके से ये चार्जिंग पॉइंट्स भी हमने एक्टिव किए हुए हैं, इसका वर्किंग ऑपरेशन भी मैं आप लोगों को ज़रूर बता। विद द प्रॉपर चार्जिंग, जो आदमी पीछे बैठता है वो अपना फ़ोन भी इस आर्मरेस्ट से चार्ज कर सकता है। यूएसबी चार्जिंग भी है, फास्ट सी चार्जिंग भी है, एसी की भी हवा है, हाथ रखने की भी जगह है। और आप लोगों को क्या चाहिए दोस्तों, द मारुति जेन्युइन आर्मरेस्ट विद द प्रॉपर फंक्शनिंग मेरे को लगाना था। थोड़ा लेट में ज़रूर आया हूँ बट परफेक्शन के साथ मेरे को आना था, तो परफेक्ट चीज़ किस तरीके से वर्क होती है आज हम लोग ने उसके अंदर देखा है। तो मारुति का जेन्युइन आर्मरेस्ट इसके अंदर हमने लगाया हुआ है। इसके जो मिरर्स हैं वो लॉक करने पे फोल्ड नहीं होते थे, रेगुलर मिरर्स कंपनी ने हमको लगा के दिए हैं। तो हमने ऑटोमेटिक ORVMs भी इसके अंदर इंटीग्रेट किए हुए हैं, जो आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी लॉक करने पे फोल्ड एंड अनलॉक करने पे ओपन होते हैं। ये आपके ओरिजिनल मिरर्स आते हैं जो हमको मैन्युअली कंट्रोल करने पड़ते हैं। सो मिरर्स हमने लगाए हैं जो मारुति के जेन्युइन हैं। मिरर का स्विच भी हमने किस तरीके से आपके ही पैनल पे इंटीग्रेट किया है। स्विच की भी प्लेसमेंट, फिटमेंट, फिनिशिंग आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। आर्मरेस्ट हो गए, मिरर हो गए, तो स्टेयरिंग के कंट्रोल भी आप लोगों को लगा के दूंगा। द स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैव बीन फिटेड इन द कार, क्योंकि आवाज़ कम ज़्यादा करने का, गाना आगे पीछे करने का, फ़ोन उठाने का काटने का भी सिस्टम हमको गाड़ी के अंदर कंपनी ने नहीं दिया हुआ है। आगे की ग्रिल भी हमने चेंज की हुई है, द मारुति जेन्युइन ग्रिल जो टॉप मॉडल में लग के आती है, जिसमें क्रोमियम का इंसर्ट होता है। सिग्मा में पूरी काली ग्रिल आती है, तो ये ग्रिल भी हमने आपको लगा के दे सकते हैं। तो चाहे ये आर्मरेस्ट हो, ये मारुति जेन्युइन पार्ट है, चाहे ORVMs हो, ये मारुति जेन्युइन है, चाहे स्टेयरिंग कंट्रोल्स हो, चाहे ग्रिल हो, विथ दीज फोर जेन्युइन अपग्रेड्स सिग्मा को सिग्मा स्पेशल में हमने कन्वर्ट किया है। अब आते हैं मॉडिफिकेशन, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। हेडलाइट ऑफ द कार, जो ओमेगा DRL का इसके अंदर हमने सेटअप किया है, किस तरीके से जब ये ऑन होती है तो एक ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन के साथ ऑन होती है। वंस अगेन टर्न ऑफ, एंड जब मैं टर्न ऑन कर रहा हूँ, सी द ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। प्रोजेक्टर फॉग लाइट्स हमने लगाई हैं, जो टॉप मॉडल में भी नहीं आती है, क्योंकि वो टॉप मॉडल में सादी LED फॉग लाइट्स आती हैं, जिसकी रेंज बहुत लिमिटेड है। प्रोजेक्टर्स की फोकस आप देख सकते हैं, खाली प्रोजेक्टर ऑन है, हेडलाइट अभी बंद है, फिर भी रोड पे रोशनी एंड थ्रो एंड फोकस ऑफ लाइट आप लोगों के सामने है। हेडलाइट के भी जो बल्ब हैं LEDs के साथ हमने अपग्रेड किए हैं, जो अपर एंड डिपर, लो बीम एंड हाई बीम में टोटली वाइट स्ट्रॉन्ग LEDs, जो हमारी 170
वॉट्स की आती है, ये कार के अंदर हमने लगाई है। साइड प्रोफाइल में व्हील कैप है 15 इंच के, जो अलॉय व्हील का लुक दे रहे हैं। मैं फिर से बोलता हूँ, बजट है हर किसी का, आप व्हील कैप लगा सकते हैं, अलॉय व्हील्स आपकी लगाने की इच्छा हो तो वो भी हम करते हैं। वाइट एंड ब्लैक टू टोन के साथ ये गाड़ी का एक्सटीरियर है। इसकी रूफ को विनाइल ब्लैक में हमने रैप किया है। इसका साइड डोर प्रोटेक्शन मोल्डिंग पियानो ब्लैक विद द क्रोमियम इंसर्ट हमने लगाया है। इसके जो चारों पिलर्स हैं उनको भी विनाइल ब्लैक हमने रैप किया है। द सिग्मा इज कन्वर्टेड टू द सिग्मा स्पेशल एडिशन आप लोगों के सामने है दोस्तों। थोड़ा सा क्रोमियम का वर्क किया है, चाहे हैंडल हो, चाहे विंडो हो, चाहे डोर वाइजर हो, किस तरीके से ये लुक है। एक व्हील कैप लगाने से कितना ज़बरदस्त जो लुक है साइड से बढ़ जाता है। ये कैप है जो लुक दे रहा है अलॉय व्हील का। रिफ्लेक्टर लाइट्स हैं पीछे की तरफ जो ब्रेक मारने पे जलती है। N4 एग्जॉस्ट का डिफ्यूज़र भी हमने लगाया है फॉर द स्पोर्टी लुक ऑफ द कार। अब आते हैं इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार में, क्योंकि बहुत दिल से एंड बहुत मेहनत से इसका इंटीरियर हमने मॉडिफाई किया हुआ है। किस तरीके से टॉप गियर के द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द कार सीट कवर्स आप लोग देख सकते हैं। टॉप गियर ब्रांड डार्क ब्राउन वॉलनट विथ अ ब्लैक कॉम्बिनेशन के एक्स्ट्रा कंफर्ट वाले सीट कवर्स आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 कुशनिंग जोन्स के आते हैं। इन सीट कवर्स की फिटमेंट देख सकते हैं। दरवाज़ों में जो हाथ रखने वाला हिस्सा है उस पर लेदरिंग का वर्क हमने किया है इन द पार्ट ए एंड पार्ट बी, जो हमारे दो पार्ट्स में आते हैं। सी द ब्यूटिफुल लुक, जो दरवाज़ा पूरा काला था अब ब्लैक के साथ ब्राउन है। द एक्टिव एम्बियंट लाइट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड ऑन द फोर डोर्स एंड द डैशबोर्ड, जिसके दरवाज़ों में जो टर्न्स हैं, डैशबोर्ड में जो कर्व्स हैं, हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से है। द स्टेयरिंग ऑफ द कार इज लेदर रैप्ड इन द ब्लैक एंड ब्राउन, यानी कि ब्लैक एंड वॉलनट का कॉम्बिनेशन स्टेयरिंग पे है। एयर बैग भी हमने रैप किया है, गियर नॉब भी हमने लेदर रैप किया है। डैशबोर्ड को भी एक डार्क ब्राउन कलर का हमने टच दिया है। सी द फिनिशिंग ऑफ वर्क दोस्तों, सीट कवर, स्टेयरिंग, एयर बैग, गियर नॉब, डैशबोर्ड, दरवाजे, जब सब एक दूसरे से मैच होते हैं तो एक लाउंज इंटीरियर गाड़ी के अंदर बनता है। नेट प्ले का 9 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन हमने लगाई है, जिसमें ऑफलाइन मैप्स है, यानी कि विदाउट इंटरनेट रास्ता दिखाने का सिस्टम। पिका शो में लाइव टीवी देख सकते हैं। ब्लूटूथ है गूगल वॉइस असिस्टेंस के साथ। GPRS, यूट्यूब वीडियो, हर उस फंक्शन के साथ ये प्लेयर हमने इसके अंदर इंटीग्रेट किया है। हर्ट्स कंपनी के कंपोनेंट्स हैं आगे की तरफ, जिनकी ट्यूटर्स की प्लेसमेंट आप लोग देख सकते हैं। डैम्पिंग का वर्क हमने किया है चारों दरवाज़ों में, जिससे रोड नॉइस काफ़ी कम हो जाती है एंड स्पीकर जो बजते हैं फटते नहीं हैं। इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स हैं, जो दरवाज़ा खोलने पर बलिनों का नाम एंड उसमें इल्यूमिनेशन देते हैं। पाँव रखने वाली मैट भी ये कार के अंदर जो हमने लगाई है, ये टॉप गियर ब्रांड की हनीकॉम मैट्स आती है, जो वेरी गुड एंड हाईली ड्यूरेबल क्वालिटी की आती है। किस तरीके से, कितनी मेहनत से ये बलिनों को हमने मॉडिफाई किया है दोस्तों, आप लोगों के सामने है। क्योंकि भारत नंबर है सर, रहते तो पूना में है बट कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। मेरे कम वीडियोस है बलिनों के, बट उन्होंने एक ही बोला कि रोहित जी ये एसी का बहुत तकलीफ़ है, सिग्मा मॉडल गाड़ी तो अच्छी है बट पीछे वालों को गर्मी बहुत लगती है, तो आप एसी आप ही चालू करके दे सकते हैं। तो थोड़ा सा वक्त हमें लग गया बट ज़रूर हमने उसके अंदर वो रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की है। ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट हमारा किस तरीके से लगा है, आपके भी बलिनो हो तो आइए एंड उसको बलिनो सिग्मा स्पेशल में कन्वर्ट करके जाइए। क्योंकि बेस मॉडल और टॉप मॉडल 5 लाख रुपए का तो फ़र्क है दोस्तों। तो जब आमरस मुझे मिल रहा है टॉप मॉडल का, कुछ चीज़ें हैं जो टॉप मॉडल की हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो हम देखते हैं स्पीडोमीटर के ऊपर जो डिस्प्ले आता है, एक आधी चीज़ें, बट मैक्सिमम हमारी कोशिश रहती है कि मैक्सिमम फीचर्स हम आपको दे सकें, क्योंकि क्लाइमेट कंट्रोल बेस मॉडल में दिया है, उससे अच्छी क्या बात हो सकती है। सो फाइनल ओवर रिव्यू ऑफ द बलिनो सिग्मा मॉडल, और एक से एक मॉडिफिकेशन मेरा आपसे वादा है, मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड सिग्नेट बलिनो सिग्मा स्पेशल मॉडिफिकेशन के लिए मिनिमम 1 लाख रुपीज़ का बजट हमको रखना है। बाकी
जैसा आप बोलेंगे एलॉयज अगर हम लगाते हैं तो वो बजट थोड़ा सा और एक्सटेंड हो जाता है, सिस्टम थोड़ा सा और बढ़िया करते हैं, बट एक 1 लाख रुपए के बजट में आपका इंटीरियर एक्सटीरियर लाइट्स आप कर सकते हैं, तो बजट भी मैंने आप लोगों को बताया है। डेफिनेटली लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली। हमने काफ़ी मॉडिफिकेशन देखे बलिनो के, मेरे बहुत लिमिटेड वीडियोज़ है, बट ये पहला वीडियो है जो सिग्नेचर स्पेशल है, क्योंकि सिग्मा मॉडल तो ये गाड़ी आती थी, बट इसको स्पेशल हमने इस तरीके से किया है क्योंकि इसमें टॉप मॉडल का आर्मरेस्ट है विद द रियर एसी फंक्शनिंग, इसके मिरर्स टॉप मॉडल के हैं जो लॉक करने पे फोल्ड होते हैं, इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल्स हैं जो टॉप मॉडल में आते हैं। कोई एंगल से ये गाड़ी बेस मॉडल सिग्मा नहीं लग रही है, इट इज़ द सिग्मा स्पेशल एडिशन जो आज हमने फर्स्ट क्रिएट की है। सर हमारे साथ हैं, ओनर ऑफ द कार, जो हमारे साउथ से बिलोंग करते हैं, कर्नाटक से, बट सर्विस के लिए पुणे में है। मेरे 4 ही वीडियोस थे, वो सभी वीडियोस तो देखे हुए ही है, बाकी मेरे जितने वीडियोस हैं सबको सर फॉलो करते हैं। मेरे को एक ही मैसेज आया था, सर मैं इस दिन गाड़ी ले रहा हूँ, इतने बजे आपके इधर आऊँगा, एंड पूरी फैमिली है। हम देर से सर के फ्रेंड्स का भी वेलकम करते हैं, मैडम का भी वेलकम करते हैं, एंड न्यू मेम्बर है हमारे साथ। ये किस तरीके से सिग्मा स्पेशल एडिशन हमने बनाई है, कैसा अपना एक्सपीरियंस रहा है सर, एंड 2 लाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या बोलेंगे? मैं कम से कम मैं 3 साल या 4 साल से वीडियो को देख रहा था, मैं सपना में यही था कि मैं करेगा तो इधर ही करो, गाड़ी कोई भी होने दो। पहले महिंद्रा देख रहा था, बाद में औरा में आया, बाद में लास्ट में बोलन में आया, बोलन लेके इधर आ रहा था, सपना था, वो सपना आज पूरा हो गया। और बेस ही मॉडल अपन ने लिया था सिग्मा, बेस लिया था। कितने में पड़ती है सिग्मा मॉडल गाड़ी? बैग में सीट इससे लिया था 6.5 लगा, ऐसा स्विल में जाने के लिए तो 7.5 लग जाता है। 6.5 में सीट पड़ती है। आप लोग देख सकते हैं कोई एंगल से ये गाड़ी, टॉप मॉडल भी आप इसके बाजू में खड़ा रखिए, उसमें भी ये एम्बियंट लाइट नहीं है, ये सीट कवर नहीं है, ये वाइट एंड ब्लैक नहीं है, ये DRL नहीं है। सर कैसा हो गया गाड़ी, क्या बोलेंगे? गाड़ी तो इनके मेरे एक्सपीरियंस से ऐसा गाड़ी कभी नहीं देखा था, जो बेसिक को टॉप एंड किया जाता है, तो मैं वीडियो में नहीं देखा था, आज गान ग्राउंड पे देखा है, तो मेरे को सेटिस्फेक्शन लगा काम से। थैंक यू सर। मैडम कैसी लोगी गाड़ी? अच्छा, कन्नड़ में बोलिए, कोई बात नहीं, कन्नड़ में चला गई गाड़ी। ओके सर, थैंक यू करते हैं आपको सभी को एंड सभी परिवार के सदस्यों को। वंस अगेन द सिग्मा स्पेशल एडिशन जो हमने बनाई है, वीडियो वगैरह जो देख रहे हैं शुड लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, ड्राइव सेफली, एंड थैंक यू।